मिसेस फरूज अनुसिया, आज हम आपके लिए एक अनाउंसमेंट लेके आए हैं। अभी तक मैंने चैनल पर जो भी वीडियोस वगैरह डाली है कि हाँ रैंडमली हाँ कोई भी वीडियो जो है मैंने शूट किया या कोई भी इसके रिकॉर्डिंग के थ्रू मैंने वीडियो बनाया और वो मैंने अपलोड कर दिया चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट वगैरह बना के ऐसे करके, लेकिन मेरा स्टार्टिंग था उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है तो थोड़ा सा धीरे धीरे सीखने लगा हूँ मैं इन चीज़ों को कि हाँ मुझे कैसे रिकॉर्ड करना है, मुझे किस तरीके से डालना है, क्या प्लेलिस्ट वगैरह, क्या थंबनेल, क्या मतलब एक्सेट्रा जो भी मुझे यूट्यूब के लिए ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ धीरे धीरे सीखने लगे हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी हम जो है वो एनसीईआरटी साइंस का 6 to 12 तक का एक सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो सेशन जो रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सभी के लिए रहेगा। और उस सेशन से आपको क्या हेल्प मिलेगी, सबसे पहले कि जितने भी सारे टीसीटी एग्जाम होते हैं उन सब में आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। टीसीटी एग्जाम चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे DSSB का हो, AMRS का हो, NVS का हो, है ना, चाहे आर्मी वाला हो एक्सेट्रा, अगर कोई भी या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोस्टली सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी, तो जितने भी टीसीटी एग्जाम्स हैं उनका मोस्टली सिलेबस रहता है कि 6 to 10 तक का, हार्ड लेवल 12 तक का या फिर और भी एक्स्ट्रा जो भी। तो अपन क्या करेंगे 6 to 12 तक का, पहले अपन 6 to 10 तक का एनसीईआरटी करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। आपको जिस भी लैंग्वेज में प्रीफर हो उस लैंग्वेज में आप देख सकते हो, 6 to 10 तक का स्टार्टिंग, उसके बाद 11, 12 बाद में किया जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि आपको जितना हो सके उतना एकदम अच्छे लेवल से कराया जाएगा, बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी आप टीसीटी एग्जाम में बैठो और एनसीईआरटी क्वेश्चन आए तो कम से कम वो क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो कितना भी हार्ड लेवल का हो। अगर वो एनसीईआरटी से बिलोंग कर रहा है 6 to 10 तक की से, तो वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक है। इतने लेवल से कराया जाएगा। अगर कोई बाहर से क्वेश्चन आता है उसका तो नहीं कहा जा सकता इस बारे में, क्योंकि फिलहाल एनसीईआरटी चल रही है, उसके बाद अपन एडवांस करेंगे अलग अलग रेफरेंस बुक के बेसिस पे। फिलहाल एनसीईआरटी रहेगी अपनी और लास्ट तक रहिए। बाकी का ये रहेगा कि अपन सभी जो चैप्टर्स हैं उनको क्लास वाइज प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 6 क्लास की अगर एनसीईआरटी करने वाले हैं तो अपन क्या करेंगे 6 क्लास का साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, दोनों को, सारी एनसीईआरटी जिसमें 6 की पूरी एनसीईआरटी, 6 की हिंदी में, 6 की इंग्लिश में, दोनों एनसीईआरटी दो प्लेलिस्ट हो गई। 7th का भी सेम डबल, 8th का भी, 9th का भी, 10th का भी, इस तरीके से डबल डबल प्लेलिस्ट और हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग रहेगी। एक प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर रहेगा, पूरा चैप्टर नहीं पूरी क्लास रहेगी, जिससे कि आप एक बार प्लेलिस्ट चालू करो तो पूरी क्लास को जो आप फिनिश कर सको, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि मैं एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के मतलब वीडियो जो है एकदम रूटीन से बना सको या डाल सको, कंटिन्यू डालना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये कोशिश रहेगी एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के हार्डली मैं वीडियो डाल दूँ और वीडियो की क्वालिटी वगैरह, वीडियो का लेवल, स्टैंडर्ड जो रहेगा वो सब एकदम कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए चैनल पर बने रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स आते हैं। अभी रिसेंटली AMRS का एग्जाम आने वाला है और DSSB के अभी प्रमोशंस चल रहे हैं, उसके बाद जो है ये वैकेंसीज लॉन्च करेंगे तो उसका भी एग्जाम जो है वो जल्दी हो जाएगा, जैसे वैकेंसी आएगी उसके कुछ दिन बाद ही, 2-3 महीने बाद ही, ठीक है। तो एकदम लगे रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर